हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे। तो मैं हो गया हूँ रेडी। अभी 11:06 हो रहे हैं, 11:30 तक पहुँचना है। रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ है डिग्री के लिए एंड कल मेन इवेंट है। सो आज हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड हम जाएंगे घूमने के लिए। चेन्नई को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आगे का आगे अपडेट देंगे। अभी निकलते हैं। रूम यही है, शॉर्ट टूर ही दे दो। यार बेड, यार कबर्ड, यहाँ पे वॉशरूम, बट ओवरऑल अच्छा है। And that's all. Hope looking good. Yes, very nice. चलो गाइस आगे मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइज, अभी हम IMU हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए थे। रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो गया है। मम्मी यहाँ पे मस्त गॉगल लगा के धूप के मज़े ले रही है। और अभी हम पैदल गेट पे जा रहे हैं क्योंकि अंदर कैब आने नहीं देगा। एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं महाबलीपुरम टेम्पल, तो उसके लिए अभी कैब बुक करेंगे वहाँ जाके। गर्मी बहुत है गाइज। रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी मेन इवेंट कल है। चीफ गेस्ट है हमारी प्रेसिडेंट, सो मुर्मू, और कल अपडेट करेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। चलो टाटा। तो धूप में भटकती हुई दो आत्माएं। अभी जस्ट नींबू सोडा पिया हमने। अंदर हम गए नहीं क्योंकि ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा। अभी हम जा रहे शो टेम्पल, देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन रहेगा। गर्मी बहुत चुभ रही है, चुभने वाली गर्मी। एनीवेज, सो फार सो गुड। बाकी क्रेविंग जो एशियन क्रेविंग्स है वो तो माशाल्लाह सुबह। चलो गाइस बैटरी बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। मम्मी ने मस्त माला लिए और ये एक पंखा लिया है, तो मैं इनकी हवा करूँगा यहाँ पे। हवा हवा हवाई। तो गाइस अभी हम महाबलीपुरम के शो टेम्पल में पहुंच गए हैं। यहाँ की एंट्री हुई 40 रुपीज़ पर पर्सन इंडिया वालों के लिए। फॉरेनर्स के लिए महंगी है, अराउंड 2000 है। मैं यहाँ पे मस्त अपना नेकलेस फ्लॉन्ट करते हुए, और कुछ नहीं बस टेम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत सुंदर है। हवा थोड़ी आ रही है शोर साइड में क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। एंड बाकी टेम्पल दिखाते हैं। बाकी गर्मी तो थोड़ी बहुत है गाइस, सह रहे हैं, हम भी सह रहे हैं, तुम भी सहो, सब सहो। चलो गाइस आए थे मृत्युंजय शिव टेम्पल। और आज जैसा मैं फील कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। आज इतना सौभाग्यवश था मैं कि शिव भगवान का अभिषेक करने मिला। पंडित जी ने मुझे खुद बुलाया और मैंने अच्छे से नहलाया, हल्दी से अभिषेक किया, दूध से, दही से, उनको अच्छे से नहलाया, उनकी पूरी पूजा की, हार चढ़ाया, फूल चढ़ाए। और बस अब जब मैं कर रहा था इतना इमोशनल हो गया था मैं। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का आइडल है, राधा कृष्ण का आइडल है, गणपति बप्पा का है और शिव जी का है। और यहाँ इतना पीस है गाइस, देखो पीछे अपनी चंद्रमा भी है। और
एकदम समुंदर के किनारे हैं, शोर साइड आवाज़ अगर आ रही होगी तो। बाकी मेडिटेशन कर रहे हैं गाइस, आवाज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, वीडियो भी अलाउड नहीं है, बट मैंने जितना निकाल सकता था निकाला। और बीच पीछे ही है, बट फिलहाल अंधेरा हो गया तो बीच पे शायद नहीं जाएंगे, बट अब यहाँ पे मेडिटेट करेंगे थोड़ा। बहुत सुकून जो मिल रहा है ना गाइस यहाँ पे, अपने धर्म, अपने माता पिता, उनकी कदर करनी चाहिए गाइस। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज एंड इवेंचुअली इट विल बी टू लेट। सो या, अगर अंदर है कुछ तो बोल दो, कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, भगवान सुनते हैं। चलो गाइस, बहुत इमोशनल है। जब हम आ गए हैं मंदिर के पीछे वाले बीच में, पीछे समुद्र देवता, ऊपर चंदा मामा, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, जैसे देख ही सकते हो बाल उड़ रहे हैं और ये शर्ट खुल रही है। बट एनीवेज गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड क्लियर होता है, थोड़ा सुकून तो है ही काफ़ी। बस एक ज्ञान देना चाहूँगा कि इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट गाइस, होल्ड ऑन टाइट। तो गाइस ये व्लॉग को प्रोबेबली यहाँ एंड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी आएंगे रात को, खाएंगे कुछ प्रोबेबली एंड देन हम जाके होटल में सो जाएंगे। कल सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे पहुँचना है, कॉन्वोकेशन है, डिग्री लेनी है, बहुत कुछ होने वाला है। कल का कल देखेंगे, अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है तो कल एंड करेंगे, अगर ये ब्लॉग यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ एंड करेंगे। जो भी रहेगा गाइस, मिलते हैं, सायोनारा। पंछी बन उड़ती फिरू मस्त गगन में, जानो तू दिन घूमना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो पंख।